आप सबका स्वागत है 2 जुलाई के चिरोदन में। परमात्मा पिता आज हमें शक्ति भर करके कह रहे हैं कि निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले। कमजोर संकल्पों की जाल, जाल में बहुत सारे जोड़ने के पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग जगह पर। मतलब कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत जगह पर क्यों नहीं हो सकता, क्यों खराब हो जाएगा, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, उसके हम जाले बना देते हैं कमजोर संकल्पों के, कि जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भवा। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों के को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हम खुद इमर्ज करते हैं, और परमात्मा तो कहते हैं कि समर संकल्प करो, पॉजिटिव थॉट्स करो, विजय की थॉट्स करो। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, चाहे वो हमारा लौकिकता में वर्ल्डली पुरुषार्थ हो रहा हो धन संपत्ति कमाने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर हमारा स्पिरिचुअल पुरुषार्थ हो कि हम अपने आप को प्योर बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, महान बनाएं, ऊंच बनाएं, गुणवान बनाएं, निर्विकारी बनाएं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा हमसे, सब कुछ क्या होगा, ये कमज़ोर संकल्प की दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। हमने खुद ही संकल्पों की दीवार बनाई और उस दीवार के अंदर ही सफलता छिप गई। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। मतलब माया क्या है, अपने ऊपर डाउट करना, परमात्मा पर डाउट करना, ड्रामा पर डाउट करना, अपने श्रेष्ठ भाग्य पर डाउट करना, ये हो गया माया। वो चाहती है कि हम डाउट करें और उसके गुलाम बन जाएं। कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है और हमें उसमें फंसाती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। क्या सोचना है, चाहे वो दुनियावी कार्य कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हो, अपने आप को चेंज करने का कार्य, और उसके अनुसार हम वर्ल्ड कार्य भी कर रहे हों, घर बार संभालना, कमाई करना, सेहत को ठीक रखना, खाना पकाना, सब कुछ जो भी कार्य है, हर कार्य इम्पोर्टेंट है, कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं होता, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म मतलब कब हुआ, फिजिकल बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बर्थ के बाद में। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस चीज़ पर सफलता, अपने कमी कमजोरियों पर सफलता, और फिर इसका असर ऑटोमेटिकली पड़ जाता है हमारे विश्व में, हमारे जो भी हम कर्तव्य करते हैं। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो, इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। हम शायद